हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 18। पंच ने जैसे ही अपने मन ही मन फैसला किया, तभी शोरूम का ओनर उसके पास आते हुए चापलूसी करते हुए बोला, सर ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है और आप और मैडम तो एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा अच्छे लगते हो। हमारे शोरूम में एक बहुत अच्छा कपल वियर आया हुआ है, अगर आप लोग उसे ट्राई करेंगे तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी, प्लीज उसे ट्राई करें। और ये कहते हुए मुस्कुराकर वंश को देखने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। आखिर वंश सिसोदिया का गुस्सा पूरे उदयपुर में मशहूर था। वही वंश गुस्से में उसे घूरने लगा, लेकिन उसी वक्त दर्श उनके पास आया और बोला, क्यों नहीं करेंगे ट्राई, जरूर करेंगे, आप निकालिए तो सही, जाइए। तो ओनर वहां से उन कपड़ों को निकालने चला गया, पर वंश उससे बोला, पागल है क्या तू, कपल ड्रेस उसके साथ कैसे पहन सकता हूँ। तो इस पर दर्श ने उससे बस एक सीधा सा सवाल किया, क्यों नहीं पहन सकता, ऑफकोर्स तू उससे प्यार तो नहीं करता, तो पहनने में क्या दिक्कत है, फीलिंग्स तो है ही नहीं, है ना। वहीं उसकी बात पर वंश सहमति जताते हुए बोला, हाँ कोई फीलिंग नहीं है मुझे, मैंने तुझे आज सुबह के वक्त ही बताया था ना, तो बार बार क्यों पूछ रहा है। और ये कहते हुए उसके लहजे में एक इरिटेशन नजर आ रही थी। तो दर्श उससे बोला, ओके देन प्रूव इट, जा पहन उसके साथ कपल ड्रेस, जब फीलिंग ही नहीं तो डरने की क्या बात है, ऐसा तो नहीं कि उसे अपने साथ ट्विनिंग करते देख तुझे अलग ही फीलिंग आएगी और तू उसके प्यार में पड़ जाएगा, तो करके दिखा। और ये कहते हुए उसका लहजा चैलेंज भरा था, क्योंकि वो भी जानता था कि वंश को हारना नहीं पसंद। उसकी बात सुन वंश बोला, ओके मैं करके दिखाता हूँ, फिर तुम मुझे वापस ये गाना गाते हुए नजर नहीं आना चाहिए कि मुझे उससे मोहब्बत है। और ये कहते हुए वो सीधा ओनर के पास गया और बोला, दिखाइए वो कपल ड्रेस कहाँ है, पहनते हैं मैं और ये। इस पर रिवा जो वहीं खड़ी थी, उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप, हम कपल ड्रेस कैसे पहन सकते हैं, वो कपल्स के लिए होती है, दिमाग तो ठीक है ना आपका। लेकिन वंश पर तो जैसे चैलेंज जीतने का फितूर सवार हो गया था, इसलिए वो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, जो बोला है वो करो वरना जॉब जा सकती है तुम्हारी, समझी। और इस बार उसके लहजे में गुस्सा था, जिसे महसूस कर रिवा भी थोड़ा सा घबरा गई और आगे कुछ नहीं बोली। तभी शॉप का ओनर वो ड्रेस लेकर आया, रिवा के लिए जो वो गाउन लाया था वो और वंश के लिए जो सूट, वो दोनों इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या ही कहें। दोनों लाइम येलो कलर और इंडिगो कलर के कॉम्बिनेशन की ड्रेस थी। जो गाउन था वो पूरी तरह लाइम येलो था, बस उसके एक हाथ के साइड में और कमर पर इंडिगो कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, जो उसे बहुत ही प्यारा लुक दे रहे थे। वही सूट का जो शर्ट था वो इंडिगो कलर का था और ब्लेजर लाइम येलो कलर का, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होते हुए भी एक दूसरे के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहे थे। रिवा जो कि वंश के गुस्से से घबराई हुई थी, उसने कुछ कहना सही नहीं समझा और चुपचाप ड्रेस उठाकर फीमेल ट्रायल एरिया की ओर चली गई। वही वंश भी मेल ट्रायल रूम की ओर चला गया। तभी दर्श ने वंशिका को मैसेज कर वहां आने के लिए कहा और बोला, मेरा कमाल देखना है तो जल्दी कपड़ों वाले शोरूम में आ। जैसे ही उसका मैसेज मिला, वंशिका तुरंत वहां से आ गई और उससे पूछने लगी, क्या किया तूने। इस पर वो कुछ कहता उससे पहले ही दोनों ट्रायल रूम का दरवाजा खुलने की आवाज हुई, तो दोनों ने उस ओर देखा और देखते ही रह गए। आखिर रिवा उस लाइम येलो और इंडिगो कलर के कॉन्ट्रास्टिंग गाउन में इतनी प्यारी जो लग रही थी, और साथ साथ वंश भी उसे पूरी टक्कर दे रहा था। रिवा बार बार उस गाउन को एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि उसका बैक बहुत ज्यादा डीप था और उसे अनकंफर्टेबल बना रहा था, इसलिए उसका ध्यान अभी तक वंश की ओर नहीं गया था। लेकिन वंश ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मानो बाहर ही आ गिरेगा, और वो खुद में बोला, तुझसे और तेरे एहसासों से फुरकत का लिया था फैसला, पर तू यूं जालिम है कि गुर्बत से दूर होने ही नहीं देती। और खोकर रिवा को ही देखने लगा। वही वंशिका उन दोनों को देखते हुए एक्साइटेड होकर दर्श से बोली, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, भगवान करे किसी की नजर ना लगे इन दोनों को, एकदम मेड फॉर ईच अदर। और ये कहते हुए अपना फोन निकालकर दोनों की फोटोज लेने लगी। तभी इधर रिवा को अपने चेहरे पर किसी की नजरों की गहरी तपिश महसूस हुई, तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा, तो उसकी नजरें सीधा वंश की नजरों से जा उलझी और दोनों एक दूसरे में खोने लगे। तभी दर्श वंशिका के साथ उन दोनों के पास आते हुए बोला, सच में दोनों इतने प्यारे लग रहे हो, किसी परफेक्ट कपल की तरह। उसकी आवाज से दोनों होश में आए और वंश को अपना फैसला याद आया, तो उसने थोड़े कड़े लहजे में दर्श से कहा, अब हो गया ना, अब मैं चेंज कर रहा हूँ और चलो यहाँ से, अब वरना पोलो क्लब जाने में देर हो जाएगी। ये कहते हुए वो चेंज करने अंदर चला गया, तो रिवा भी झट से अंदर की ओर चली गई, क्योंकि उसे उस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों चेंज करके निकले और फिर पोलो क्लब चले गए। वहां सबने बहुत मस्ती की, लेकिन वंश रिवा से कटे कटे रहने की कोशिश करने लगा और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की भी। इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर जैसे ही डिनर करके वो सब सिसोदिया भवन आए, वंश ने दर्श से कहा,
तू एक काम कर, मिस शर्मा को घर छोड़ दे, बहुत ज्यादा देर हो गई है, इस वक्त अकेले जाना सही नहीं होगा। इस पर दर्श मान गया और रिवा को लेकर उसके मामा के घर की ओर बढ़ गया। पर जैसे ही गाड़ी घर के बाहर पहुंची, रिवा ने देखा कि उसकी मामी गुस्से में वहीं खड़ी है और वो समझ गई कि यही तमाशा होने वाला है। तो वो दर्श से बोली, भाई मैं आपसे अभी से माफी मांग रही हूँ, क्योंकि क्या पता आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सुनना पड़े जो शायद आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाए, क्योंकि जो औरत सामने खड़ी है वो तमाशा किए बगैर मानेगी नहीं, और अगर वो करेगी तो मैं भी जवाब दिए बगैर मानूंगी नहीं। वैसे भी जैसी वो है, शायद हमारे रिश्ते को भी गलत तरीके से ही प्रेजेंट करे वो, तो इसके लिए पहले से तैयार रहिएगा, या तो हो सके यहीं से लौट जाइए, जब अपना घर लूंगी आपको खुद बुलाऊंगी। कहते हुए गाड़ी से उतरी और अपनी मामी की ओर बढ़ने लगी। दर्श भी जानता था कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि उसने सब कुछ पता लगवा लिया था, इसलिए इस वक्त रिवा को वहाँ अकेला छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था, तो वो भी निकल कर बाहर आया। लेकिन उसी वक्त रिवा की मामी यानी कि अरुणा जी ने जो कहा उसे सुन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब ऐसा क्या कह दिया अरुणा जी ने, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।